पर स्टैंडर्ड 1550 मिनट, न्यूट्रलाइजर 8 मिनट, इसके बाद मास्क 7 मिनट। आपके करना होगा फुल डे, स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल के आऊँ, लेकिन आपका फंडा समझ नहीं आया। 900 बहुत लोगों को करता हूँ मैं सब, आप ना अपनी बैच की जगह रखोगे ना मैम, तो बढ़ के बाद रखना ठीक है। हवा तो आएगी कम से कम, उससे भी डैमेज होने, अगर प्रेसिंग गलत कर दी तो कट लग जाएगा, वहीं से बाल कट जाएगा। अगर ऐसे मैं कभी बाल कटने का डर नहीं रहता, उन्होंने मेरी प्रेसिंग भी दो बार की थी। हाँ तभी तो कह रहा, रिबॉन्ड होती है स्मूदनिंग, उससे बाल सीधे नहीं होते, सिर्फ खाली स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। ठीक, कर्लिंग वाली स्मूथ आ गई है, जिन लोगों को कर्लिंग पसंद है उनके लिए हल्का हल्का वेव आ जाता है, सीधे बाल। अच्छा, वो जिनके सिल्की बाल है उनके लिए हम उसको हल्का वेव दे सकते हैं। हाँ जी, तो वेव आपकी बहुत ही कम लोग कराएंगे, कराते हैं आजकल, फैशन वेव का चल रही है। फैशन जा रहा है, बॉयज तो बहुत करा रहे हैं, ध्यान से देखो मुस्कान क्या क्या कर रहे हैं, बारी बारी क्या चीज कर रहे हैं, हर चीज ध्यान से देखो, कितने बालों को उठा रहे हैं, कितनी पार्टीशन में उठा रहे हैं, वो चीज नोटिस करनी चाहिए। ठीक करना है क्या, हम दो दिन तक जितना इस क्रीम को इतना मल्सिफाई करोगे ना, उतने अच्छे से बाल स्मूथ होंगे। जितने कम कम बाल लेके करेंगे उतने अच्छे से जल्दी जल्दी अप्लाई भी होगा और जल्दी क्रीम भी मर्ज अच्छे से होगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। हेयर इस पर अप्लाई नहीं करते हो आप? प्रेसिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, प्रेसिंग थोड़ी हार्ड देनी पड़ती है ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए, वेव नहीं आना चाहिए। एक भी
में एक स्मूथनिंग आपको 3,000 रुपये कमवा सकती है और इस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। एक फेशियल कितने कमा सकता है? 5,000 से 6,000 रुपया। नहीं बताने किसी को भी, आप पैसे दे रहे हो ना तो आपको नहीं करे, खुद नहीं करोगे मैं मना कर दूंगी भैया को। Thank you.
बिल्कुल ले लिया है, उन्हें हैंड से नहीं कर। टिक ले लेना है।